जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो कैसे शख्स पे है जो इंडिया में जुर्म के टटुओं का आका है, इस्लाम का रक्षक है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, जिसको बोलते हैं ना मौलवी मौलाना है, वो भड़वा, ऐसा भड़वा गद्दार, ऐसा चूतिया है वो, कि संविधान सभा में वो क्या करता है, बिल फाड़ देता है, शरिया कानून लाना चाहता है। इस्लाम का जो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन जो है, ये कुत्ता सूअर। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन है ये। हैदराबाद का निजाम अपने आप को मियां भाई बोलता है, मियां भाई। दोस्तों, ट्रिपल तलाक बिल, सीए, एनआरसी, जो भी, इसने इतने हंगामे खड़े किए कि संविधान सभा में इसने बिल तक फाड़ दिए। अमित शाह को दरिंदा, गुंडा, मोदी को क्या क्या बोला इसने। बट आज देखो, आज ये दरिंदा, उन टटुओं का दरिंदा। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस्लाम की, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। पर इस जैसे गद्दार जो है ना, मैंने क्या बोला था, इस्लाम के जो दुश्मन है, इस्लाम को जो बदनाम कर रहे हैं, इस जैसे गद्दार है, जिसको ना अपने धर्म की रक्षा करनी आती है, अपने धर्म की तो कहाँ होगी, पर दूसरे धर्म की गालियाँ कीचड़ उछालते हैं ये चूतिया, ये हरामी, सूअर का जना। जैसे पाकिस्तान में हरामी वो सूअर का मांस खाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना था ना, और इंडिया में ये है, और इसका ब्रदर वो चूतिया जो मरने की कगार पे पहुंच चुका था, पर पता नहीं कैसे उसने अल्लाह को कैसे फरियाद किया, और अल्लाह ने भी उसकी सुन ली और बच गया वो। आज देखो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बोला है कि इंडिया में केसेस कितने थे, मात्र 700-800। जब से ये जमाती टटुए पूरे देश में फैले, आज 7000 के लगभग, और हर एक स्टेट में कोई 20 केसेस है। हमारे हिमाचल में 2-3 केस थे, और आज देख लो कितने केस पहुंच चुके हैं, 28-29 केस पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र की बात देख लो, केरला, तमिलनाडु, पूरे देश को उन्होंने हिला के रख दिया इन जमातियों ने, इन टटुओं ने, इन कटे हुए टोपे वालों ने, ठीक है। मैं सभी को नहीं बोल रहा, इन दरिंदों को बोल रहा हूँ, जो देख आप देख रहे हैं ना, कोई थूक रहा है, कोई नोट को अल्लाह का हिजाब बोल रहा है, कोई पेशाब कर रहा है सब्जी पे फ्री में बांट रहा है, वो खुद आके चिपक रहे हैं जगह जगह, क्या कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ है, एक सच्चे मुसलमान के खिलाफ नहीं है। अब्दुल हमीद के बारे में सुना है, डॉक्टर अब्दुल जी, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कभी समझा नहीं कि हिंदू मुस्लिम है क्या। और ये चूतिए भड़वे, आज मैं जिस आका के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये भड़वा आज चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल रहा उनके ऊपर, कि सच्चा मुसलमान बनता है ना, दीन का ईमान जो होता है उसको बोलता है सच्चा मुसलमान। ये भड़वा चुप क्यों है, गद्दार चूतिया क्यों चुप है आज। जब इससे पूछा गया तो बोलता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे, वो सही कर रहे हैं। कौन से जुल्म हुए भाई, बता दो जरा मेरे को, चूतिए। दोस्तों, इस वीडियो की, इस भड़वे तक, इसके चूतिए के जहन तक जानी चाहिए, लगे कि पता कौन होता सच्चा मुसलमान, जो आज देश के साथ है वो सच्चा मुसलमान है। बहुत से मौलाना मौलवी देश के साथ है, वो उस पर क्यों नहीं बोल रहा था, मौलाना साहब जो डिस्ट्रीब्यूटर रहा, प्रोड्यूसर तो चाइना रहा ना, जो जिसने डिस्ट्रीब्यूटर किया, और होलसेलर कौन थे, जो जमाती तबलीगी जमात में जमाती जो थे, जो पूरे देश से आए थे, उन्हें होल सेल किया, पूरे वर्ल्ड में फैलाया इस डिजीज को। उस आतंक टेररिस्ट के ऊपर बोल क्यों नहीं बोल रहा है, भड़वे सुअर हरामी, बताना मेरे को, आप क्यों नहीं बोल रहा, आप कहाँ गया तेरा इस्लाम, आप कहाँ गया तेरा सरिया, के सरिया या इस्लाम से कुछ खास समुदायों को बोलने के लिए रखा हुआ, हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान में रह के। उस साध के ऊपर बोल, उन जमाती के ऊपर बोल जिनने, ये जमाती तो खैर जो अभी जो फैला रहे हैं, को थूक लगा रहे, को गले मिल रहे, को साथ में बैठ के हुक्का पी रहे, कि हमें ये सिखाया गया जमात में, हैं, अब क्यों नहीं बोल रहा भड़वे, अब तेरी गान फट रही है, संसद में तू बड़ा बोलता है, बिल फाड़ता है, गाली देता है दूसरों को, अब तेरी माँ चुद रही है, अब चुद रहा है मोदी, भड़वो कैसे डंडे लग रहे हैं गान में, जहाँ जहाँ भी छिपे हो कैसे गोदी चुद रहा है, हैं, बोलना भड़वे, तू सच्चा मुसलमान बनता है, बोल अब बोल। जब दोस्तों, जब इससे पूछा गया कुछ पत्रकारों द्वारा, कुछ पार्टी द्वारा, तो बोलता है इस्लाम में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे, तो ये अल्लाह का जवाब है। ये देखो, सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन, ये है इस्लाम की दुश्मन, ये है इनकी इंसानियत। जो भी मेरे सच्चे हिंदू मुस्लिम सिख भाई जो भी है, इस भड़वे की गान मार दो, इस चूती की, अब बोल, जिन टटुओं ने जो ये जो फैलाया पूरे वर्ल्ड में, पता ना जमात में कहाँ कितने देशों के लोग आए होते जगह जगह से, और इंडिया में आप खुद देख रहे हैं, कोई महिला चिपट रही है, कोई थूक रहा है, कोई सीन लगा रहा है नाक का नोट पे, हैं, फिर क्या बोलते हैं, ये अल्लाह की NRC है,
तेरी माँ की चूत में मक्खन छोड़ू हरामी, अब बोल के दिखा तब मानेगी तेरे का सच्चा मुस्लिम है तू। कोई जुल्म नहीं हो रहे हैं सीए एनआरसी से, कोई जुल्म नहीं हो रहा मुसलमानों पे। अयोध्या में राम मंदिर बना, कोई जुल्म नहीं हुआ। जुल्म सबसे ज्यादा जो हुआ है कश्मीर में हुआ, जो हिंदू को निष्कासित किया गया 1990 1918। कहाँ है वो? अब बोल बड़वे, नहीं तो गान मरा माँ यावे।